अब नेक्स्ट स्टडी का लेंगे सर, हमने कर लिया था टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन कर लिया था। यस सर, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक कर लिया था। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो अगला लिखेंगे फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो पहले लिखेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन इसमें लिखें इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम its acceleration is positive. Its if the velocity of an object increases with time, its acceleration is positive. Full stop. Second likhenge negative acceleration. Negative acceleration. Negative acceleration को लिखेंगे if the velocity of an object decreases with time. If the velocity of an object if the velocity of an object decreases with time, comma its acceleration is negative. Its acceleration is negative. Its acceleration is negative. Full stop. Negative acceleration is also called retardation or deceleration. Negative acceleration negative acceleration is also called retardation or deceleration. ये नोट कर लीजिए, बता दूं मैं आपको पहले भी चुका हूं और आप लोगों को पता भी है ये चीज, वही चीज है नाइन्थ क्लास में आप लोग कर भी चुके हैं इसको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमें ये देखना है कि इसमें ना क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं। हमने डिफरेंशिएशन के इतने सारे फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के इतने सारे क्वेश्चंस हमने करे, उनका यूज किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो देखना है जरा। अभी देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन नंबर वन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, अच्छा इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस the position of an object moving along x axis is given by
moving along x axis is given by x is equal to a plus x is equal to a plus bt square. लिख लीजिए अभी. हो सकता है आप लोगों को लगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल अजीब है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाऊंगा. पहले क्वेश्चन लिखो. और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बीटी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर, कॉमा बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, b is equal to 2.5 meter per second square and t is measured in seconds and small t is measured in seconds. Small t is measured in seconds. Small t is measured in seconds. Full stop. What is its velocity at t is equal to 0 second? Stop. What is its velocity at t is equal to 0 second and t is equal to 2 second and t is equal to 2 second? Question mark. What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? What is the average velocity? What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? Question mark. अब देखिएगा क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, ध्यान से समझिए. अब ये था, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरीके से किसी ना किसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो जो हमको ऑब्जेक्ट दे रखा होगा उस ऑब्जेक्ट की मेरे को पोजीशन दे रखी है. पोजीशन का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ. पोजीशन का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट फिलहाल किस पोजीशन पर रुका हुआ है, ठीक, वो दे रखा है. तो उसका पोजीशन ना ऐसे बताया जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, क्योंकि इन्होंने दिया है कि मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, वो एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है. एक्स एक्सिस यानी कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की. इधर मान लीजिए 0 मीटर, इधर मान लीजिए 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस मुझे दे रखा है ये दे रखा है बेटा मीटर में. और पोजीशन का मतलब क्या है, पोजीशन का मतलब ये है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, मान लीजिए इस पोजीशन पर. पोजीशन का मतलब ये उसकी लोकेशन क्या है. कहते हैं ना आप कि अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप अपने किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, आपका आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि भाई तू अपनी लोकेशन मेरे को सेंड कर दे. वो अपनी लोकेशन सेंड करता है, आप जीपीएस में देखते हैं कि वो इतना दूर है, और फिर आप उस हिसाब से उसका जो डायरेक्शन है वो देखते हुए पहुंच जाते हैं उससे मिलने. तो हम ये कहते हैं कि जो पोजीशन है, पोजीशन का मतलब कि इस टाइम वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा हुआ है और ऑब्जेक्ट को मूव करना है केवल इसी डायरेक्शन में. तो सबसे पहले वो पूछते हैं, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, ये दे रखा है. एंड टी इज मेजर्ड इन सेकंड्स. ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं, इस सब चीजों से भी कुछ समझ में आता है, बताऊंगा अभी एक मिनट. वो बोल रहे हैं व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 सेकंड. टी इज इक्वल टू 0 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी क्या है, मैं अभी बताता हूँ. सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये x दे रखा है मेरे को, x इज इक्वल टू गिवन है a प्लस bt स्क्वायर. अब आप खुद देखिएगा, ये जो a है, इस a की वैल्यू दे रखी है 8.5 मीटर. अगर आपसे कोई कहे कि भाई 4 किलो तो एप्पल है, 4 किलो तो एप्पल है और 2 डजन बनाना है,
चार किलो एप्पल और दो डजन बनाना और आपसे कहते हैं बताओ भाई टोटल कितना हो गया, तो आप ये कहेंगे ये कैसा बेवकूफी वाला क्वेश्चन, चार किलो तो एप्पल है, एप्पल को तो आप कह रहे हो कि किलोग्राम में मेजर करो और जो बनाना है उसको आप कह रहे हो डजन में मेजर करो, तो जब दोनों की यूनिट सेम होगी तभी तो टोटल बता पाऊंगा, तभी तो दोनों को ऐड करूंगा, ऐसे थोड़ी कि भाई आपका वेट तो है वो 80 किलोग्राम है और आपकी जो हाइट है वो 172 सेंटीमीटर है, बताना टोटल कितना हो गया। वाह भाई वाह, सेंटीमीटर में किलोग्राम को कैसे ऐड कर दूं, नहीं कर सकते, तो हमें दोनों यूनिट सेम चाहिए होती है तभी एडिशन पॉसिबल होता है, समझ गए। अगर मान लीजिए मेरे से 5 किलोग्राम एप्पल और 2 डजन बनाना का एडिशन पूछा जाए, टोटल पूछा जाए, तो हम ये कहें 2 डजन बनाना हो या 10 डजन बनाना हो, बनाना का पहले किलोग्राम में वजन निकालिए कि कितना कितना किलोग्राम है, जब वो किलोग्राम में आ जाएगा तो एप्पल भी मेरे पास किलोग्राम है, तब मैं किलोग्राम किलोग्राम दोनों सेम यूनिट हो गई तब मैं ऐड कर पाऊंगा, ऐसे नहीं होता फालतू में किसी को भी किसी में ऐड कर दो। तो यहां पर भी देखते हैं हम, तो इन्होंने दिया x की वैल्यू x इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर है, यहाँ a है 8.5 मीटर, यानी कि a की यूनिट जो है वो मीटर में दे रखी है और b दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये जो t है, t भी तो टाइम है ना, और दे रखा है वेयर t इज इन सेकंड, तो टाइम जो भी होगा वो सेकंड में ही तो होगा, और जब टाइम का स्क्वायर कर देंगे तो बेटा वो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इधर टी स्क्वायर की जो भी वैल्यू आएगी वो सेकंड स्क्वायर होगी, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया तो ये बचा मीटर, इधर भी मीटर बचा इधर भी मीटर बचा, यानी कि दोनों को ऐड किया जा सकता है, यानी कि जो गिवन डेटा है वो बिल्कुल ठीक दे रखा है मुझे, समझ में आ गया सब बच्चों को? यस सर। क्योंकि जो पोजीशन होती है ना, पोजीशन में भी ये पता चलता है कि जैसे मान लो ये वाली पोजीशन है तो मैं इस पोजीशन को क्या बोलूंगा, इस पोजीशन को मैं यही तो बोलूंगा 1.3 मीटर, 1.3 मीटर, यानी कि हम ओरिजिन से 1.3 मीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, दिस इज माय करंट पोजीशन, दिस इज माय करंट लोकेशन, समझ गए सभी बच्चे? यस सर। ठीक है जी, चलिए जी, अब इतनी चीजों को दिमाग में रखते हुए, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मैं आगे बढ़ूंगा, आगे देखते हैं कि जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई तो इसमें हम ये कहेंगे कि भाई ये पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू जीरो सेकंड, वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है ये देखते हैं जरा। एक्स इज इक्वल टू ए है 8.5 प्लस बी कितना है 2.5 और टी स्क्वायर, मतलब मैंने ए और बी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, उसके बाद वी नो दैट, बेटा दिखाई दे रहा है सभी को नीचे तक? सर लेकिन अभी आपने तो बताया कि ये सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो हमें टी स्क्वायर लिखने की जरूरत क्यों है? दोबारा बोलो सर, अभी आपने बताया कि सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट जाएगा तो सर हमें टी स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो नहीं कर सकते, टी स्क्वायर लिखने की जरूरत है, अभी मैंने टी की वैल्यू अलग अलग होगी ना, टी एक वेरिएबल है तो टी की वैल्यू अलग अलग होगी इसलिए टी स्क्वायर लिखने की जरूरत है, ये सिर्फ आपको ये समझाया कि x is equal to a plus bt square है, तो मुझे ये देखना है कि एक टर्म तो हो गया a और एक टर्म हो गया bt square, तो मुझे ये देखना है कि a और bt square दोनों की यूनिट अगर सेम होगी मैं तभी उन्हें ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो ऐड नहीं कर सकता, और a की यूनिट तो दे रखी है 8.5 मीटर और bt square की यूनिट क्या होगी, देखो b तो दे रखा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वांटिटी कुछ भी होगा, एक सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, कुछ भी होगा, तो उसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो सेकंड का भी तो स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, अगर दो सेकंड है तो टू सेकंड का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा फोर सेकंड स्क्वायर, समझ गए, तो फिर ये भी सेकंड स्क्वायर यूनिट आ गई और ये डिनोमिनेटर में सेकंड स्क्वायर है, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कट गया तो बी टी स्क्वायर की जो ओवरऑल यूनिट बची वो मीटर बची, तो ये भी बी टी स्क्वायर की यूनिट भी मीटर हो गई और ए की यूनिट तो मीटर दे ही रखी है, तो दोनों मीटर में है, दोनों को ऐड करा जा सकता है और दोनों को ऐड करके x आ जाएगा, x इज कॉल्ड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पोजीशन जो है वो भी तो मीटर में ही होता है, ये समझाना चाह रहा था मैं। ओके सर, है ना, शायद समझ गए होंगे, क्लियर है? यस सर, समझ गए। चलिए जी, अब इसके बाद उस चीज पर आ जाते हैं जो ये पूछ रहे हैं, वी नो दैट वेलोसिटी इज, बेटा इधर का मिटा रहा हूं मैं,
We know that velocity is given as v is equal to dx by dt. ठीक है, तो v is equal to d by dt of x क्या है 8.5 plus 2.5 t square. तो v is equal to d by dt. मैं t के रिस्पेक्ट में 8.5 को जब डिफरेंशिएट करूंगा तो 8.5 इज अ कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट है जो कि अकेला लिखा हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा बेटा 0 प्लस 2.5 t स्क्वायर. जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2.5 वेरिएबल वाली टर्म t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2.5 तो ऐसे ही लिखा जाएगा. और t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2t. भाई जैसे याद करिए, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हुआ करता था, इसी तरीके से t स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा. बताइए समझ गए कि नहीं? यस सर. ठीक है, अगर सभी को इतना क्लियर है तो हम देखेंगे 2.5 into 2 कितना हो गया 5. तो v की वैल्यू आ गई बेटा 5t. अब वो क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड. तो मैं बोलूंगा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड विल बी v, और ऐसे लाइन खींच के यहां पर लिखेंगे t इज इक्वल टू 0 सेकंड इज इक्वल टू 5 और t की जगह क्या डाल देंगे 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकंड. तो शुरुआत में t इज इक्वल टू 0 सेकंड में हमारा जो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी 0 थी, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में था. ये सबको समझ में आ गया? आस्था, भव्या, बताइए क्लियर है? यस सर. ठीक है जी, ओके. अब उसके बाद ये पूछ रहे हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड. तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी बताइए. वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड विल बी, v लिखकर ऐसे एक लाइन खींच के यहां पर लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड और क्या था 5t. तो t की जगह 2 डाल दीजिए, 5 into 2 ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड. मतलब एग्जैक्टली 2 मीटर 2 सेकंड पर, मतलब जब 2 सेकंड टाइम हो रहा होगा तो एग्जैक्टली उस टाइम पर जो वेलोसिटी है वो उसकी 10 मीटर पर सेकंड होगी. यहां तक क्लियर? यस सर. ठीक है, चलिए जी, तो आगे देखते हैं. आगे ये पूछ रहे हैं हमसे कि आप एवरेज वेलोसिटी बताइए. इसी क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड. What is the average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 4 second? तो मैं क्या करूंगा, हम इसमें जब average velocity निकालते हैं तो average velocity का formula है, होता है average velocity between t is equal to 2 second and is equal to 4 second. इस average velocity को बोल दीजिए v a b. average velocity a b मतलब average, v is for velocity. तो मैं लिख दूंगा x2 minus x1 upon t2 minus t1. अब ये x2 क्या है? x2 है हमारी final position. मुझे कौन सा time? मेरा initial time क्या है बेटा? initial time है 2 second और final time है 4 second. ठीक है? तो x2 हो जाएगा t is equal to 4 second के correspondingly हमारी x की वैल्यू, यानी कि हमारी पोजीशन. तो बेटा इसको मैं लिखूंगा 8.5 प्लस 2.5 और t कितना है x2, x2 मतलब फाइनल, फाइनल मतलब 4 सेकंड. तो 2.5 इनटू 4 का स्क्वायर, ये तो x2 हो गया. माइनस x1 कितना होगा 8.5 प्लस 2.5 into 2 का स्क्वायर, x2 minus x1 upon t2 minus t1. t2 मतलब बाद वाला टाइम, फाइनल टाइम, बाद वाला टाइम 4 सेकंड, पहले वाला टाइम 2 सेकंड. तो 4 minus 2, बताइए बेटा क्लियर है सभी को? सभी को इतना क्लियर है? विदुषी, यश, पार्थ, यस सर, यस सर, चलिए
भाई x2 minus x1 upon t2 minus t1 ये हमारी average velocity का formula होता है, average speed का formula होता है, total distance travelled upon total time taken, और average velocity होता है x2 minus x1 upon t2 minus t1. अब आप ये देखिए x2 का मतलब हो गया final position और x1 का मतलब हो गया initial position, t2 का मतलब हो गया final time, t1 का मतलब हो गया initial time. तो टाइम तो हमारा चलता जा रहा है, लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं जी नहीं, आप मेरे को दो सेकंड और चार सेकंड के बीच वाला जो टाइम इंटरवल है आप उसी में जो एवरेज वेलोसिटी निकल रही है वही आप बताइए. तो मैंने कहा ठीक है, मेरा इनिशियल टाइम तो हो गया टू सेकंड और फाइनल टाइम हो गया फोर सेकंड, तो फाइनल पोजिशन यानी कि एक्स टू वो क्या हो जाएगी 8.5 प्लस 2.5 टी. टी क्या है? फाइनल टाइम के कॉरस्पॉन्डिंगली, फाइनल टाइम था चार तो टी की जगह मैंने फोर डाल दिया, 8.5 प्लस 2.5 इंटू फोर का स्क्वायर, 8.5 प्लस 2.5 इनटू 4 का स्क्वायर, ये तो हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी कि x1. ये कैसे निकलेगा? 8.5 प्लस 2.5 इनटू इनिशियल टाइम क्या था? 2 सेकंड, तो t की जगह 2 डाल दिया 2 का स्क्वायर, तो 8.5 प्लस 2.5 इनटू 2 का स्क्वायर अपॉन फाइनल टाइम 4 सेकंड इनिशियल टाइम 2 सेकंड. ये करके अब आप देखिएगा कैसे निकलेगा. देखो ये हो गया 8.5 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2.5, 16 5 जा 80, 8 कैरी आ गया, 16 2 जा 32 और 8 40, तो 16 इंटू 2.5 हो गया 40.0 यानी कि 40, फिर माइनस का 8.5 और माइनस 2 2 जा 4, 4 इंटू 2.5 होता है 10, तो प्लस का 10 और इधर माइनस है तो माइनस का 10 अपॉन 4 माइनस 2 हो गया 2, और ये माइनस 8.5 प्लस 8.5 कैंसिल, 40 माइनस 10 कितना हो गया 30, 30 अपॉन 2 मतलब 15, तो बेटा एवरेज वेलोसिटी आ गई 15 मीटर पर सेकंड. बताइए क्लियर है कि नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. चलिए बहुत बढ़िया बात है, अगर समझ गए तो अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और करवाऊंगा. एक्सक्यूज मी सर. हां जी बताइए. सर जो एवरेज वेलोसिटी है वो दो टाइम इंटरवल्स के बीच में डिफर कर सकती है? नहीं, दो टाइम इंटरवल के बीच अच्छा जैसे जैसे 2 टू 4 सेकंड तो एक टाइम इंटरवल हो गया. यस सर. और 3 टू 5 सेकंड ले लिया तो वो दूसरा इंटरवल हो गया, है ना? यस सर. बिल्कुल डिफर कर सकती है, बिल्कुल डिफर कर सकती है. ठीक है, ओके सर. हाँ, क्योंकि दो अलग अलग तीन अलग अलग टाइम इंटरवल्स के बीच में हम एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वो कोई मतलब, वो तो मतलब साफ समझ में आता है कि हाँ डिफर कर सकते हैं. ठीक, बस बेटा एक मिनट रुकिए, मैं पानी पी रहा हूँ, फिर अगला क्वेश्चन करवा दूँ. और इसी तरीके के इसमें ना क्वेश्चंस आते हैं, तो धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है. चलिए आगे चलता हूँ मैं, अभी अगला देखता हूँ, बस एक मिनट रुकिए. चलिए ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं, उधर ही लिखूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन. अंश समझ में आ रहा है? अंश मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर. मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? यस सर. चलिए ठीक है. अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ अ पार्टिकल मीटर लिखा बेटा वो उधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो गया. द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर
the displacement in meter of a particle moving along the x-axis is given by moving along x-axis is given by x is equal to 18t plus 5t square is given by x is equal to 18t plus 5t square. 18t plus 5t square. Full stop. Calculate. Calculate. अब इसमें तीन पार्ट दे रखे हैं. फर्स्ट है the instantaneous velocity at t is equal to 2 second. Instantaneous instantaneous velocity at t is equal to 2 seconds. Second part hai, instantaneous velocity at t is equal to 2 second. Second part hai, average velocity between 2 second and 3 second. Average velocity between t is equal to 2 second and t is equal to 3 second. Third part hai instantaneous acceleration. थर्ड पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. तो ये हमको सारी चीजें निकालनी है. ठीक है, अब जरा देखते हैं कैसे करना है इसको. वो जितने भी टाइप की वेलोसिटी, जितने भी टाइप के एक्सेलरेशन वो सब हमने बताए हैं, तो उन्हीं सब चीजों का आपको एप्लीकेशन यहाँ पर करना है. तो देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने बोला था डिस्प्लेसमेंट इन मीटर इज गिवन एज 18t + 5t स्क्वायर. तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड. तो सबसे पहले मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जानना चाहता हूं क्या होता है. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू dx / dt. ठीक है, तो हम यहां पर कहेंगे फर्स्ट पार्ट जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v is equal to dx by dt. v is equal to dx by dt. ये हो गया. अब देखिएगा v is equal to dx by dt है जैसे, तो मैं क्या करूंगा d by dt of क्या d by dt of x. x कितना दे रखा है 18t plus 5t square. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर 18 जो है और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है. तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल वाली टर्म जो है वो t वाली टर्म जो है वो वेरिएबल वाली टर्म हो गई. तो 18 इज अ कांस्टेंट व्हिच इज रिटन विद t. ठीक, तो 18 तो एज इट इज लिखा जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, एज इट इज लिखा जाएगा. और t का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t, 1. जैसे x का डिफरेंशियल सिर्फ 1 हुआ करता था x के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस 5 कांस्टेंट टर्म है एज इट इज लिखा जाएगा. और t स्क्वायर का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2t. तो ये हो गया 2t. तो v की वैल्यू हो गई 18 प्लस 5 टू जा 10t. 18 प्लस 10t ये हमारे पास आ गया बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक, अब ये तो जनरल एक्सप्रेशन आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब वो बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर निकालो. वो 2 पर पूछे, 3 पर पूछे, 4 पर पूछे, 5 पर पूछे, किसी भी वैल्यू पर पूछे, आप तो जनरल एक्सप्रेशन निकाल चुके हो. अब आपको वही जैसे मान लीजिए t is equal to 2 पर पूछ रहे हैं, तो इसी एक्सप्रेशन में t की जगह 2 डाल दो. वो t की जगह, वो आपको t is equal to 3 सेकंड पर पूछे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इसी एक्सप्रेशन में t की जगह 3 डाल दो. तो बस सबसे पहले एक ये आप तरीका अपनाना कि जो भी आपसे चीज पूछी जाए उसमें सबसे पहले आप जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे और फिर उसके बाद आप उसकी वैल्यू डालेंगे. ठीक है, गलती से भी उल्टा मत कर देना कि पहले वैल्यू डालो और फिर आप डिफरेंशिएट करो, गलती हो जाएगा.
पूरा गलत हो जाएगा। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर वैल्यू डालेंगे, तो वो v होता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कितने पर पूछ रहे हैं? t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो यहां पर हम लिखेंगे देयरफॉर v, और एक ऐसे लाइन खींचकर यहां लिखेंगे t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ठीक, क्या हो जाएगा? 18 प्लस 10 इनटू 2, 18 प्लस 10 इनटू 2, तो ये हो गया 18 प्लस 20, 20 प्लस 18 कितना हो गया? 38 मीटर पर सेकंड, 38 मीटर पर सेकंड, ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकंड। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा पहले देखा था। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लिखेंगे? vAv, vAv क्या होता है? x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखिएगा, जो फाइनल पोजीशन है वो फाइनल पोजीशन क्या है, मतलब 3 सेकंड पर जो पोजीशन होगी वो मेरी फाइनल पोजीशन है। ठीक, अब पोजीशन क्या थी? पोजीशन का ये दे रखा है 18 टी प्लस 5 टी स्क्वायर। तो आप क्या करो, फाइनल पोजीशन है टी इज इक्वल टू 3 सेकंड वाली, तो इसमें आप टी की जगह 3 डाल दीजिए। तो 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, दिस इज गोइंग टू बी x2 फॉर मी। ये मेरे लिए x2 हो गया माइनस अब x1। x1 में क्या करेंगे? इनिशियल टाइम क्या? 2 सेकंड। तो t की जगह 2 सेकंड डाल दीजिए। 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर और अपॉन में t2 माइनस t1। तो फाइनल टाइम क्या है? 3 सेकंड, इनिशियल टाइम है 2 सेकंड। तो t2 माइनस t1 हो गया 3 माइनस 2। देखिएगा, 18 थ्रीजा हो गया 54 और 3 थ्रीजा 9, 9 फाइवजा हो गया 45, 54 प्लस 45 माइनस 18 टूजा हो गया 36 और 2 टूजा 4, 4 फाइवजा हो गया 20 अपॉन 3 माइनस 2 हो गया 1, 54 प्लस 45, 4 प्लस 5 9, 5 प्लस 4 9, 99 माइनस 36 प्लस 20 कितना हो गया? 56 अपॉन में 1 है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं होती। 9 माइनस 6 हो गया 3 और 9 माइनस 5 हो गया 4, 43 मीटर पर सेकंड। तो हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई 43 मीटर पर सेकंड। सभी को क्लियर इतना? बताइए। यस सर। ठीक है जी, चलिए जी। अब उसके बाद देखिए, थर्ड ये पूछ रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना है आपको। उन्होंने ये नहीं बोला कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट टी इज इक्वल टू दिस एंड दिस, कोई टी की वैल्यू नहीं दे रखी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछा है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, a इज इक्वल टू dv बाय dt, मतलब जो आपकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा। अरे गलत नहीं है क्या? वो वेलोसिटी 18 प्लस 10 टी आई थी, इधर आपने 18 प्लस 5 टी से करा है शायद। नहीं नहीं ठीक है, अभी बता रहा हूं बेटा। ये मैंने ना x2 माइनस x1 लिया है, तो x2 ये x वाला एक्सप्रेशन लिया मैंने, ये वाला लिया ही नहीं है, समझ गए? हाँ सर, हाँ सर, है ना, x है ना, तो 18 टी प्लस 5 टी स्क्वायर, 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, क्लियर है ना? यस सर। वेलोसिटी को मैं यूज करूंगा एक्सेलरेशन के लिए। तो थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है स्मॉल a is equal to dv by dt. So small a is equal to d by dt of v. V क्या है? 18 plus 10t. 18 plus 10t. तो अब 18 तो अकेला है, constant है, तो constant का differential होता है 0. लेकिन ये भी constant है, लेकिन variable वाली term के साथ है, तो तब constant as is दिखा रहता है, और t का differential हो जाएगा 1.
बेटा ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताइए बेटा सभी को क्लियर है? भव्य, लक्ष्य, पार्थ, रोहन, विदुषी, यश? यस सर। यस सर। चलिए जी सर, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। मैं इसी तरीके के आपको एक या दो क्वेश्चन भेजूंगा, वो आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है? अब हम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये वही है इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, वही टॉपिक है ये। मैं इधर लिख रहा हूँ, इसको आपने नाइन्थ क्लास में जब करा था तो आपने दो तरीकों से करा था, एक तो था एल्जेब्रिक मेथड, एक था ग्राफिकल मेथड और एक था कैलकुलस वाला मेथड। यहाँ वो सॉरी एक था एल्जेब्रिक और एक ग्राफिकल, बस दो मेथड से करा था, अब तीन से करेंगे, एल्जेब्रिक, ग्राफिकल और इस बार कैलकुलस वाला भी आ जाएगा, जो मैं एक बार आपको करा भी चुका हूँ, दोबारा भी कराएंगे अभी। ये मिटा दो ना पूरा, सबने कर लिया था ना? सबने कर लिया था बेटा? बता दीजिए, अर्जुन, आर्यन, आस्था, दिवस, गणेश? यस सर। ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। चलिए जी, तो नेक्स्ट हेडिंग है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली accelerated kinematic equations for uniformly accelerated motion। देखिएगा, there are फोर इक्वेशंस, थ्री नहीं होंगी, एक चौथी इक्वेशन और आएगी। देयर आर फोर इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इसके लिए चार इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन है v is equal to u plus at, दूसरी इक्वेशन है x is equal to x naught plus ut plus half at square और S is equal to ut plus half at square। या तो इसको ऐसे बोल देंगे या ऐसे बोल देंगे, दोनों एक ही बात है। अभी समझाता हूँ, सिर्फ नोट करिए पहले, अभी समझाता हूँ दोनों में अंतर क्या है। अंतर कुछ नहीं है, दोनों सेम है। थर्ड लिखेंगे v square is equal to u square, v square is equal to u square plus 2a x minus x naught, or v square is equal to u square plus 2as, ठीक? Fourth equation, fourth है s nth,
as nth nth is equal to u plus a upon 2 is equal to u plus a upon 2 or bracket mein likhenge 2n minus 1 u plus a upon 2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2n minus 1। सर सेकंड इक्वेशन में x के नीचे 0 लिखा हुआ है। x के नीचे 0 लिखा हुआ है। जब भी कभी हम किसी टर्म के नीचे 0 लिख देते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं नॉट। जैसे x के नीचे 0 लिखा हुआ है तो उसको हम बोलते हैं x नॉट। अगर मान लीजिए t के नीचे 0 लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं t नॉट। समझ गए? यस सर। हां, ये लिखने के बाद में आगे करते हैं। अब इनके सभी के एल्जेब्रिक मेथड से प्रूफ देखेंगे इन सभी इक्वेशंस के। सर तो x नॉट में जीरो का कुछ मतलब वैल्यू है या फिर वो खाली साइन है? बता रहा हूं, अभी नोट तो करो। नोट कर लिया? बस एक मिनट रुक जाइए, अभी बता रहा हूं, सब क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा होता है, यहां पर आप एक चीज लिखेंगे कि एक डायग्राम बनाएंगे, बल्कि एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना लो और यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे ये हमने बना लिया x एक्सिस, तो इधर तो दिखाएंगे हम ओरिजिन और इधर दिखाएंगे x, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। और फिर क्या करना है, इधर दिखाएंगे बेटा टाइम, इधर दिखाएंगे जीरो और इधर दिखाएंगे t, ठीक है? तो हमने ये कहा कि टाइम, ये तो हमने ले लिया टाइम जीरो, ये ओरिजिन है। यहाँ पर कहा कि टाइम जीरो मतलब एक बॉडी जो है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लगातार धीरे 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 ना चलता जा रहा था। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे चलता जा रहा था। हमने जब उसके मोशन को स्टडी करना शुरू करा तो उस तब हमने इस टाइम पर, हमने यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, वो चलता जा रहा था, जब वो चलते चलते यहाँ पहुंचा, यानी कि जब उसकी पोजीशन x नॉट थी, है ना, तो तब मैंने स्टॉपवॉच को ऑन करा, तो ये कह रहा है कि इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और फिर थोड़ी देर बाद मान लो 30 सेकंड्स के बाद उसकी पोजीशन हो गई x, तो हम ये कहेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, x माइनस x नॉट। तो इस वजह से आप ये देखिए कि अगर ये x इज इक्वल टू x नॉट इज प्लस ut plus half at square लिखा हुआ है, अगर मैं इस x naught को इधर ले आऊं तो x minus x naught बन जाएगा, और x minus x naught क्या कहलाएगा, उसका displacement कहलाएगा कि t seconds में वो body कितना displace कर गई। समझ गए? तो x naught है position, उसकी object की initial position, और x है उसकी final position। समझ गए? Yes sir। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया ना x और x naught का क्या फंडा है? आर्यन बताइए, क्लियर है? आर्यन समझ में आ रहा है? सर एक बार और बता दीजिए। दोबारा बताता हूँ। देखो ऐसा होता है कि हमने कहा कि कोई भी बॉडी है वो चलती जा रही है। मान लो यहाँ पर कोई स्कूटर था, उस स्कूटर ने यहाँ से ओरिजिन से चलना शुरू करा। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन ये समझ लीजिए कि हमारी सोसाइटी का गेट है। हमने अपनी सोसाइटी के बाहर एक लंबी सी सड़क है, मान लो 100 मीटर लंबी सड़क है, तो हमने व्हाइट कलर से उस पर निशान लगा दिया लंबा सा 100 मीटर वाला, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर अपने निशान लगा दिया 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर 40 50 60 70 80 90 100, तो मैंने 10 वहां पर निशान लगा दिए। तो हमने ये कहा कि अब मुझे उस एक्सिस पर, उस स्ट्रेट रोड पर ही चलना है, उसके इधर उधर नहीं चलना कि आप लेफ्ट में या राइट में इधर आजू बाजू हो जाए, नहीं, आपको उसी स्ट्रेट लाइन में चलना है। हम स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहे हैं पहले चैप्टर में, तो हमें इधर उधर वाला अभी नहीं करना है, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे मोशन इन अ प्लेन में। तो मैंने ये बोला कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर था ओरिजिन पर इनिशियली, वो चलता रहा। फिर मैंने कहा कि नहीं भाई, अब मैं इसका मोशन एनालिसिस करूंगा। तो थोड़ी देर बाद जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचा, तो मैंने अपनी स्टॉपवॉच को ऑन कर दिया। स्टॉपवॉच को जब हम ऑन करते हैं,
तो स्टॉपवॉच हमेशा जीरो टाइम से शुरू होती है, ठीक है ना। आप मोबाइल में देखें, आप सभी के बच्चों के मोबाइल में स्टॉपवॉच होती ही है, तो स्टॉपवॉच जो है वो जीरो से शुरू होती है, उसकी जो टाइम है जीरो से शुरू होता है। तो वो हमारा जब स्टॉपवॉच को ऑन करा तो टाइम था जीरो, तो दिस इज माय इनिशियल टाइम। और ये एक्स नॉट क्या है, एक्स नॉट कुछ भी हो सकता है, मान लो 5 मीटर, मान लो 10 मीटर। तो ये जो 5 या 10 मीटर है ये हमारी क्या हो गई, इनिशियल पोजिशन। तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजिशन क्या हो गई, एक्स नॉट। फिर टी सेकेंड्स के बाद ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन हो गई एक्स। तो मैंने कहा कि मुझे यहां से यहां तक का ही, मतलब इतनी स्ट्रेट लाइन का ही मोशन मुझे स्टडी करना है। तो अगर हम ये कहें कि ये एक्स नॉट है, ये 10 मीटर है, तो 10 मीटर कैसे पता चला, क्योंकि ओरिजिन से इसको कंपेयर करा, 10 माइनस 0 करा तो 10 मीटर आ गया। मान लो ये 20 मीटर है या मान लो ये 50 मीटर है, तो कैसे पता चला, ओरिजिन से कंपेयर करा, 50 माइनस 0 करा तो ये लेंथ आ गई 50 मीटर। तो इसी तरह से आप इसमें से अगर ये वाला पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बीच का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ना, समझ गए कि नहीं, क्लियर है रोहन, बताइए। यस सर। ठीक है, तो इस वजह से आप ये देखिए, जैसे x इज इक्वल टू x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, इस x नॉट को इधर ले आओ तो x माइनस x नॉट हो जाएगा, x माइनस x नॉट ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली मैं ये जानता हूं कि मेरी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ये होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही तो x माइनस x नॉट है, तो चाहे इसको ऐसे लिख दो वो एक ही बात है। ये चौथी जो इक्वेशन है ये मेरे लिए पूरी तरह से नहीं है। ये इक्वेशन क्या कहती है, s nth का मतलब क्या है, ये बिल्कुल उस जनरल टर्म की तरह है जो आप लोगों ने 10th क्लास में एपी में पढ़ा था। जनरल टर्म का मतलब ये है कि आप ये बताइए एग्जैक्टली पांचवी टर्म कौन सी है, a5, ठीक है, एग्जैक्टली छठी टर्म कौन सी है, a6, ये पूछा जाता था आपसे। तो ये वही है, nth यानी कि पांचवे सेकंड पर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, मतलब पांचवे सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था, तो s nth ये बताना है इसमें। और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा अंतर है, वो बताऊंगा जब इसका प्रूफ कराऊंगा। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ, यहां पर लिखेंगे प्रूफ ऑफ इक्वेशंस, प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड से इसका प्रूफ मेरे को करना है, प्रूफ करके दिखाना है। तो एल्जेब्रिक मेथड से कैसे होगा ये प्रूफ, देखिए फर्स्ट इक्वेशन इसमें लिखिएगा, यू नो दैट we know that acceleration of an object is given as a is equal to change in velocity upon time taken, change in velocity upon time taken। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बेटा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो v माइनस u अपॉन t, ये हो गया। अब इसको t को इधर ले आइए, तो ये t a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। उसके बाद आप क्या करिए, इधर कर रहा हूं इतने में कर दूंगा, ये v माइनस u को इधर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, और at को लिख दो राइट हैंड साइड में। माइनस u को अगर उधर ले जाएंगे तो प्लस u बन जाएगा, तो v is equal to क्या हो गया u plus at। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया, बताइए बेटा समझ गए कि नहीं, इतना सभी को क्लियर है? Yes, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का प्रूफ हो गया। फिर आगे सेकंड थर्ड और फोर्थ ये आपको नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, आज के लिए इतना ही कर लीजिए, ठीक है सर। अभी मीटिंग एंड मत करना, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ हाँ आप नोट कर लो, मीटिंग अभी मैं एंड नहीं कर रहा हूँ।
ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया है वो लीड कर सकते हैं मीटिंग, बाकी मैं आज इतना ही करा रहा हूँ, अगला नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा आगे की जो इक्वेशन है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके सर एक्स्ट्रा क्लास है? नहीं बेटा आज नहीं है, अभी एक दो दिन नहीं है, मैं बता दूंगा आपको कब लूंगा। ओके सर, सर लीव कर दूं? हाँ हाँ थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके।